नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। मैं हूं धनंजय नौटिया। यूपी में खाकी के अजब गजब कारनामे हर रोज आप देखते होंगे, लेकिन जो आज यूपी की खाकी का कारनामा सामने आया है उसे देख और सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा। जी हां, यूपी के बहराइच जिले में खाकी को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहाँ पुलिस के हेड कांस्टेबल ने पुलिस लाइन में मॉर्निंग वॉक कर रहे एक मासूम लड़के के साथ दरिंदगी का प्रयास किया। लड़के के शोर मचाने पर आसपास के लोगों के साथ परिवार वाले भी मौके पर पहुंच गए और फिर आरोपी हेड कांस्टेबल रमाकांत यादव को पकड़ लिया। घटना से नाराज परिजनों ने घंटों पुलिस लाइन में हंगामा किया। मामले की सूचना मिलते ही बहराइच के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने आरोपी कांस्टेबल रमाकांत को निलंबित करने के साथ ही जाँच के आदेश भी दे दिए हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस लाइन ग्राउंड के आसपास के रहने वाले लोग रोज की तरह गुरुवार सुबह भी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। वहीं रायपुर राजा मक्कापुरवा निवासी एक 12 वर्ष का बच्चा भी टहलने के लिए आया था। बच्चे ने बताया कि एक दिन पहले कांस्टेबल ने उससे दोस्ती की और गाल पर किस करते हुए कमरे पर चलने की बात कही, लेकिन बच्चे ने मना कर दिया। फिर गुरुवार को आरोपी ने उससे अश्लील हरकत करते हुए कुकर्म करने की कोशिश भी की। बच्चे के शोर मचाने पर आसपास के लोग आ गए। बच्चे ने अपनी बुआ को घटना के बारे में बताया। बच्चे की बुआ ने इसकी शिकायत पुलिस के उच्च अधिकारियों से की। आंटी जी, आपका लड़का है? मेरा भांजा है। आपको जी क्या हुआ था? क्या भैया क्या हुआ था? ये घूमने आया था 4 दिन से, इसको ये बीच बीच में आप उनसे दोस्ती कर। चुप रहिए, आप चुप रहिए, मैंने आपको देखा है। और लोगों को मैं बुला सकती हूँ। इन्होंने जो इसको बुलाया कि आप उनसे दोस्ती करोगे, जी तो ये अभी आकर के इसने मुझे बताया। तो मैंने कहा नहीं बेटा, आप किसी से दोस्ती नहीं करोगे। अंधेरे साइड में जा रहा था लटकने के लिए, तो मैंने कहा आप उधर जाओगे नहीं, आप उनको पहचानते नहीं, तो आप उनसे दोस्ती नहीं करोगे। एक दिन बात खत्म हो गई, फिर एक दिन ये मिले तो नॉर्मली जैसे बच्चे से मिलते हैं ऐसे इन्होंने प्यार से बातें किया, तो उसको लगा कि चलिए बड़े हैं, हमसे कोई बात नहीं है। उसके बाद कल इसको लेकर के वहाँ से निकले। कल बच्चा मेरा लेट जा रहा था तो मैंने उसको थप्पड़ लगाया, तो वो चुपचाप राउंड में घूमा और घूमने के बाद जो है वो लेकर के ये इसको लेकर के मेरे बच्चे को साथ में ऐसे जा रहे थे। तो चूंकि मैंने इसको डांटा था तो सीधे इसको स्कूल के लिए लेट हो रहा था, ये जा रहा था, तो मैंने ये तो मैं इनको बाय फेस में देख लिया। तो मैंने इनको देखा जाते हुए, तो मैंने आवाज लगाया, उनसे कहा कि इनको आवाज मारो, ये जा रहा है। फिर ये आया तो उन्होंने पूछा बेटा तुम आज लेट में क्यों आए हो, तो इसने कहा बुआ जी ने हमको डांटा था। फिर वो चला गया कि मतलब घर जा रहा हूँ, ये जा करके आगे रुक गए। फिर वो उसको बुला करके लेकर के आए कि चलिए मैं तुमको अपना रूम दिखाता हूँ, क्योंकि वो एज ए दोस्त की तरह थे ना, उसको बताया था जी मैं दोस्त हूँ उसको, चलो मैं तुमको रूम दिखाता हूँ। ये सारी पंचायत हो जाए भाई, इनको रूम में ले गए तो उसके साथ इन्होंने गाल पर वाली लड़का, तो क्या हम यहाँ देखते हैं इनको, क्या कहा उन्होंने बता, आप बताइए ना। उन्होंने कहा किस किया और मतलब उसके साथ और बदतमीजी ने बैक साइड से किया। फिर उसने कहा कि मुझे लेट हो रहा है, तो वहाँ दो लोग और लेटे हुए थे, ये लैट्रिन की तरफ ले गए, तो इन्होंने कहा कि चुप रहो, तो वो चला आया। फिर मैंने आज कहा, हमने कहा ऐसे नहीं होगा, मैंने कहा इसे, मैंने कहा बेटा मैं चाहूँ तो मैं ना ले जाऊँ, तो इसने कहा कि बुआ जी मेरे साथ ऐसा हुआ है, लड़कियों के साथ अगर ऐसा करते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे आते हैं उसके साथ ऐसा करते, तब इसलिए मैंने इसको डांटा कि आप उनके साथ गए क्यों थे। कर मैं देखना चाह रहा था बुआ जी कि मतलब ये क्या करते हैं, तो हमने कहा साथ बेटा आपके साथ कुछ भी कर सकते थे। और कब मैं चिल्लाता पुलिस वाले, तो हमने कहा बेटा पुलिस वाले तो पुलिस वाले का ही सपोर्ट करते हैं, आपका थोड़ी ना करते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे उन्होंने छोड़ दिया। आज हम आए तो हम अपने हस्बैंड को बताया, इन लोगों को बताया, तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैं जो वहाँ के बच्चे हैं मैं उनको जागरूक करूँगी, उनको बताऊँगी, भाई अकेले मैं नहीं कर सकती, उनको पकड़ नहीं सकती। आप कहाँ रहती हैं? रायपुर राजा मक्कापुरवा में। मक्कापुरवा में शिकायत पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने प्रकरण की जांच एएसपी ग्रामीण रविंद्र सिंह से कराई। जांच में आरोप की पुष्टि होने पर आरोपी हेड कांस्टेबल को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। आज सुबह पुलिस लाइन में हेड कांस्टेबल रमाकांत यादव द्वारा एक बच्चे के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उसके परिजनों ने शिकायत की। इसकी जब जाँच की गई तो प्रथम दृष्टया आरोप सत्य पाया गया। रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई। पुलिस अधीक्षक महोदय ने तत्काल प्रभाव से हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है और प्रारंभिक जांच एसपी सिटी को सौंप दी गई है। जो भी आगे मामला तथ्य संज्ञान में आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की। अब एक बड़ा सवाल जहन में उठता है कि क्या यही है यूपी पुलिस का असली रंग, जिसके कंधे पर मासूम की आबरू को बचाने की जिम्मेदारी होती है, जब वही आबरू लूटने पर उतारू हो जाए तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा। समाचार इंडिया के लिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक।